हेलो एवरीवन. तो कंटिन्यूइंग टुवर्ड्स सेम कॉन्सेप्ट, नाउ लेट यू गो थ्रू द प्रॉब्लम व्हाट यू हैव बीन गिवन. दिस इज वन ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. लेट यू चेक, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है. फाइंड अ मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन. तो डेट इज द कंडीशन गिवन टू यू. हम इससे पहले कि इसके प्रूफ में चलें, देर इज अ वर्किंग कॉन्सेप्ट जिसको हमको यहाँ पे अडेप्ट करना है. पहले आप उसको समझेंगे, ठीक है. ओनली देन वी विल मूव टूअर्ड द प्रूफ हियर. आप ये अजम्पशन कर लो फिलहाल के लिए कि ये मेरे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, ये मेरे पास यहाँ पे लेट इट बी पी, लेट इट बी क्यू, और इसको एज्यूम कर लेते हैं हम यहाँ पे आर के इक्वल, ठीक है. तो दीज थ्री दे आर गिवन टू यू. पी आपको पता है, क्यू आपको पता है, आर आपको पता है. ए इज समथिंग आई नीड टू कैलकुलेट. ए मेरे को यहाँ पे निकालना है. एक काम करो, अब अगर आप यहाँ पे इस पूरे सिचुएशन को चेक करेंगे, व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट इज नाउ इन फॉर्मेट पी इंटू ए इंटू क्यू इज इक्वल टू आर. नाउ दैट इज द सिचुएशन हियर. एक्चुअल में आई डोंट प्रेफर कि आप यहाँ पे पी और क्यू को जो है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ए को इवेल्युएट करने के लिए आप यहाँ पे इसको 2x2 कोई भी मैट्रिक्स एज्यूम करके चलें, तो ये एक आपके पास बढ़िया ऑल्टरनेट नहीं है. इससे बढ़िया ऑल्टरनेट हमारे पास एक और पड़ा है यहाँ पे, ठीक है. देखिए, एकदम से आपके माइंड में क्या आएगा, एकदम से आपके माइंड में ये आ सकता है कि हम यहाँ पे ए को एज्यूम कर लेते हैं 2x2, वहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों को और वहाँ पे इक्वेट कर देंगे. डोंट डू डैट. आप यहाँ पे क्या करिए, आपके पास हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको पी, इसको क्यू, इसको हमने आर एज्यूम किया, तो मेरे पास ये एक इक्वेटी यहाँ पे बन गई. वंस आर हैविंग दिस इक्वेटी विद यू, अब सुनो, यहाँ पे मेरे को निकालना है यहाँ पे ए की वैल्यू को, मेरे को यहाँ पे ए की वैल्यू को निकालना है. तो टू गेट ए यू ट्राई टू एलिमिनेट पी एंड क्यू फ्रॉम हेयर. फाइन, बी वेरी केयरफुल. आप यहां पे पी और क्यू को एलिमिनेट करिए, और पी और क्यू को एलिमिनेट करने का एक तरीका है. सपोज आप दोनों में से आपकी चॉइस है कि आप पहले किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, पी और क्यू, वो आपने देखना है. मान लीजिए मैंने पहले पी को एलिमिनेट करना है, तो अगर मैं पी को एलिमिनेट करना है, व्हाट आई विल डू हेयर, मैं यहां पर P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा. आई विल मल्टीप्लाई बाय P इनवर्स. फाइन, तो मैंने P इनवर्स कहां पे लिया है, ये जो है ये मैट्रिक्स P के लेफ्ट में लिया है, तो P इनवर्स यहां पे R के भी आपको लेफ्ट में लेके चलना है. माइंड इट, ये आपको बहुत ही कॉन्शियसली वर्कआउट करके चलना है. यहां पे इफ आई एम मल्टीप्लाइंग ऑन लेफ्ट ऑफ पी ए क्यू, देन राइट हैंड पे आर के भी आपने लेफ्ट हैंड पे ही मल्टीप्लाई करना है. यू कांट राइट पी इनवर्स ऑन राइट हैंड बिकॉज ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, आपको पता है वैल्यू विल चेंज. फाइन, अब जब ये काम हो गया, नाउ व्हाट इज पी इनवर्स इन टू पी, डेट इज आइडेंटिटी, डेट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. फाइन, तो नोइंगली वी आर एलिमिनेटिंग पी हेयर. तो पी को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, हम यहां पे P इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बच्चे ये काम कर रहे हैं हम यहाँ पे फिलहाल के लिए. तो ये क्या बनेगा, ये आइडेंटिटी I इंटू ए इंटू क्यू इज इक्वल टू लेट इट बी P इनवर्स इंटू R. तो यहां से अब चेक करते हैं, नाउ व्हाट इज आइडेंटिटी इंटू A, डेट विल बी A. फाइन, आई एम रीचिंग अप टू हियर. अब पहले एक काम करते हैं, पहले हम यहां तक पहुंच के चलते हैं, पहले ये जो इतना स्कीम है इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है. अब देखो, आप इस पूरे सिचुएशन को चेक करके चलो. व्हाट आई एम सेइंग नाउ, लुक, ये आपको गिवन है 2132 इनटू ए, हमने निकालना है. यहां पे क्या है, -3 2 5 -3, आपको ये किसके इक्वल दिया है, इट इज गिवन इक्वल टू 1001, ये आपको दिया गया है. तो मैं आपको क्या कहता हूं कि पहले मेरे को इसको खत्म करना है. अगर मैं इसको खत्म करना चाहता हूं तो व्हाट आई विल डू, मैं यहां पर इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो क्योंकि इनवर्स यहां पे भी लेके चल रहे हैं, तो आपको यहां पे भी इनवर्स लेके चलना पड़ेगा. दिस इज समथिंग आई एम सेइंग हियर. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप यहां पर पी का इनवर्स निकालेंगे. पहले हम एक काम करेंगे, लुक, ये तो यहां पर आइडेंटिटी ही बन गया. I इंटू ए क्या रह जाएगा यहाँ पे, ए टाइम्स ये क्या रहेगा, -3 2 5 -3, यहाँ पे क्या है 2132, इस पूरे का क्या गया इनवर्स, इंटू
that is 1001. We are reaching up to here. Now let me do one thing here. हम यहाँ पे पहले इसका inverse निकाल के चलते हैं, ठीक है? इसको मैंने यहाँ पे से a मान लिया. Now what is inverse of p? Let me see to it. क्योंकि p आपके पास यहाँ पे ये है और मेरे को यहाँ पे ये inverse निकालना है. तो आप यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां पे डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ पी चेक करो यहां पे कि क्या इनवर्स निकलेगा वी के नहीं. तो ये मैट्रिक्स है, ये मैंने इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिया 2 1 3 2. तो व्हाट डज दिस बिकम, 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1. इट इज नॉट इक्वल टू 0 हियर. तो ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट इनवर्स हियर. नाउ कमिंग टुवर्ड माइनर्स, तो यहां पे माइनर्स की कैलकुलेशन करते हैं. M11 की वैल्यू क्या आएगी, 2. M12 यहां पे कितना आएगा, 3 आएगा. इस मैट्रिक्स के लिए हम यहां पे माइनर निकाल रहे हैं, फाइन. तो M11 का वैल्यू क्या है, 2. M12 का वैल्यू क्या है, 3 है. देन M21 का वैल्यू क्या है, 1. एंड देन व्हाट अबाउट M22, दैट इज इक्वल टू 2. वंस आर हैविंग माइनर्स विद यू, नाउ लेट वी कम अक्रॉस कोफैक्टर्स. तो यहां पे कोफैक्टर के लिए आई एम राइटिंग ऑल दीज वैल्यूज एज सच. ये मैंने वैल्यूज यहां पे एज सच यहां पे लिख ली फिलहाल के लिए. अब यहां पे आपके पास ये सम ओड होता है, वहां पे आप साइन चेंज कर दोगे यहां पे और यहां पे. अकॉर्डिंगली व्हाट इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स विद मी, अब यहां पे कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगी, अ मैट्रिक्स कंटेनिंग कोफैक्टर एवरीवेयर. तो यहां पे क्या आ गया, 2 - 3 - 1 - 2. नाउ व्हाट आई नीड टू डू, जब मेरे को यहां पे एक बार एक कोफैक्टर मैट्रिक्स यहां पे मिल गया, नाउ आई नीड टू गेट इनवर्स हियर. इनवर्स निकालने के लिए पहले मेरे को एडजॉइंट निकालना है. तो एडजॉइंट ऑफ ए यहां पे क्या आएगा, 2 - 3 - 1 - 2. इस पूरे का ट्रांसपोज लेके चलेंगे तो व्हाट आई बी गेटिंग हियर, 2 - 3 - 1 - 2. एंड देन एडजॉइंट ऑब्वियसली इज इक्वल टू ए इनवर्स, बिकॉज यहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है. सो मेनी टाइम वी हैव डन दिस थिंग बिफोर. तो ये आ गया ए इनवर्स. अब जो ये ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास यहां पे आ रही है, देखो ए इनवर्स ये आ गया, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि बेसिकली हमने क्या किया है, वी हैव इवैल्यूएटेड इनवर्स ऑफ 2 1 3 2. तो वो यहां पे ये आ रहा है, ठीक है. तो ये वैल्यू हम यहां पे कहां पे फिल करेंगे, ए में. तो इक्वेशन ए क्या बन जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ए बिकम्स, लेट वी चेक. नाउ दिस बिकम्स ए इनटू -3 - 5 - 3. वट इज दिस वैल्यू इक्वल टू, इनवर्स यहां पे क्या है, 2 - 1 - 3 - 2 इनटू यहां पे क्या है, 1001. अगेन आपका यहां पे काम थोड़ा सा आसान है कॉम्पेरेटिवली अगर देखा जाए, क्योंकि यहां पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है. आप देख के चलो यहां पे, ठीक है. अगर आइडेंटिटी ना होता तो हम वहां पे मल्टीप्लाई करके चलते. हमें पता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, आल बी गेटिंग सेम थिंग बैक. तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 - 1 - 3 - 2. तो क्योंकि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वापस यही आएगा. मैंने डायरेक्ट यहां पे लिख दिया, इन केस अगर आपको यहां पे आइडेंटिटी ना दिया होता, आपको वहां पे प्रॉपरली मल्टीप्लाई करना था. दैट्स ऑल, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर, फाइन. तो ये मेरे पास यहां पे एक सिचुएशन फिलहाल के लिए बन गया, दिस इज वेयर आई एम रीचिंग नाउ, ठीक है. तो अब वहीं पे चलते हैं जो हमारा बिगनिंग वाला कॉन्सेप्ट था. देखिए हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हमने पी इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया. तो जब मैंने P इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, दिस इज द सिचुएशन आई एम गोइंग टू गेट, A इंटू क्यू इक्वल टू दिस वन. ये देखो ये A, ये आपका Q इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या है, वो जो P इनवर्स आ रहे हैं, ठीक है. तो मतलब हम मान लेते हैं ये मेरे पास यहां पे जो वैल्यू है ये यहां पे B के इक्वल है. तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, A Q इक्वल टू B. अब अगला कंसेप्ट आपका क्या है, नाउ आई नीड टू एलिमिनेट Q. तो Q को कैसे एलिमिनेट करेंगे, अब आप यहां पर Q इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो. बट अगेन रिमेंबर हेयर आई हैव मल्टीप्लाइड बाय Q इनवर्स ऑन द राइट हैंड. ओके, राइट हैंड पे आप यहां पे मल्टीप्लाई करो. देखो यहां पे जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का राइट चेक करो, यहां पे लेफ्ट हैंड पे A Q है. तो Q के राइट में आपने Q इनवर्स लिया है, तो B के भी आपको राइट में यहां पे Q इनवर्स लेके चलना है. तो अब ये क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली Q इंटू Q इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी. ये क्या गया, B इंटू क्यू इनवर्स. एंड देन A को I से मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल बी गेटिंग A. तो डेट इज द फाइनल वैल्यू वी आर नाउ गोइंग टू गेट, फाइन. तो अब ये मेरे पास यहां पे क्या, दिस इज समथिंग लाइक आप ये कह सकते हो, ये मैंने यहां पे क्या एज्यूम कर लिया, B है ये आपके पास,
फाइन, ये यहाँ पे क्या है ए, ये यहाँ पे क्या है आपके पास, वो हमने पहले से रिज्यूम कर रखा है क्यू, तो देखो ए क्यू इक्वल टू बी आम इन द सेम फॉर्मेट। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक, अब अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है, इसको खत्म करना है, इसको खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस थ्री टू फाइव माइनस थ्री, यहाँ पे माइनस थ्री टू फाइव माइनस थ्री के इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सेम पैटर्न पे हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिक्स एज सच यहाँ पे पड़ा है, बट देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री टू फाइव माइनस थ्री होल इनवर्स। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे इक्वेशन बी बन गई फिलहाल के लिए, एंड दैट इज वेयर योर फोकस विल बी। आपने ये निकालनी है वैल्यू, क्योंकि ये क्या बन गया, ये तो आइडेंटिटी बन ही चुका बच्चे, ये तो आपका वैसे ही आइडेंटिटी बन गया, चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ए इंटू आई, यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, अगर आप चेक करेंगे ये मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स है, तो ये क्या आएगा आइडेंटिटी, तो ए इंटू आई विल बिकम ए। तो बेसिकली नाउ ए डेट इज गोइंग टू बी दिस वन। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपने इसका इन्वर्स निकालना है, एंड व्हाट इज दिस इन एक्चुअल इक्वल टू, ये मेरे पास यहाँ पे क्यू है देखो। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे q का इन्वर्स निकालेंगे, वैसे वो चेक कर लो वहाँ पे क्या था, b इंटू क्यू इन्वर्स था, ये देखो b इंटू क्यू इन्वर्स, तो हम यहाँ पे q का इन्वर्स निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे नाउ इन्वर्स ऑफ q, तो पहले तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ q निकाल के देखेंगे, तो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू नाउ, माइनस थ्री टू फाइव माइनस थ्री, डेट विल बिकम नाइन माइनस टेन, डेट इज इक्वल टू माइनस वन, यू कैन सी टू इट, ये माइनस वन हो गया, तो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास इन्वर्स निकलेगा। अब माइनर्स को निकालेंगे, लुक व्हाट इज द माइनर वैल्यू, एम वन वन की वैल्यू क्या है, अगर चेक करेंगे माइनस थ्री, एम वन टू की वैल्यू क्या है, लुक एम वन टू का मतलब ये, इस एलिमेंट के लिए माइनर क्या आएगा फाइव, एम टू वन की वैल्यू टू, और एम टू टू की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी माइनस थ्री, तो ये एम टू टू आ गया माइनस थ्री। तो वंस यू आर डन अप टू हियर, अब अगला काम क्या है, अब यहाँ पे कोफैक्टर ये माइनस थ्री, सी वन टू की वैल्यू क्या आएगी, साइन चेंज कर दो यहाँ पे माइनस फाइव, सी टू वन माइनस ऑफ टू, एंड सी टू टू ये कितना आएगा माइनस थ्री, आई एम रीचिंग अप टू हियर। अब क्या होगा एडजॉइंट, तो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ नाउ क्यू, एडजॉइंट ऑफ क्यू क्या होगा, लेट वी चेक, इट विल बी पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस ऑफ टू माइनस ऑफ थ्री, एंड देन इसका क्या लेके चलेंगे, आप यहाँ पे ट्रांसपोज लेके चलेंगे, इसका हम क्या लेके चलेंगे ट्रांसपोज। तो जब आप यहाँ पे ट्रांसपोज लेके चलेंगे, व्हाट आई विल गेट इन ऑल, लेट यू चेक, माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस ऑफ टू माइनस ऑफ थ्री, तो ये जो रो है ये रो यहाँ पे कॉलम, ये रो आपने यहाँ पे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, नाउ दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग एज एडजॉइंट ऑफ क्यू, बट देन यू नीड टू कैलकुलेट इनवर्स, तो q इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ q अपॉन इट्स डिटरमिनेंट, ये आएगा, एंड नाउ व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ q, दिस इज एडजॉइंट q, एंड देन व्हाट इज q डिटरमिनेंट माइनस वन, तो व्हेन यू डिवाइड बाय माइनस वन आई विल बी गेटिंग थ्रू आउट प्लस साइन थ्री टू फाइव थ्री, दैट इज ऑल आई एम गेटिंग हियर। तो q इनवर्स मेरे पास यहां पे फिलहाल के लिए ये बनेगा थ्री टू फाइव माइनस थ्री। नो वंस आई डन अप टू हियर, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्यू का इन्वर्स निकाल दिया, नो दिस वैल्यू यू हैव टू सब्स्टिट्यूट राइट हियर, क्योंकि हम यहाँ पे इसी पूरे का क्या कर रहे थे, इन्वर्स निकाल रहे थे, आप चेक कर सकते हैं, फाइन। तो जब आपके पास इतना टास्क बचे यहाँ पे खत्म हो गया, नाउ अब यहाँ पे वैल्यू को फिल करो, तो ए यहाँ पे क्या आएगा टू माइनस वन माइनस थ्री टू, ये इन्वर्स क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे इसको चेक करते हैं, इट इज थ्री टू फाइव थ्री टू फाइव थ्री। Now let me multiply. अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे क्या आएगा, लेट वी चेक, टू इंटू थ्री सिक्स माइनस फाइव, ये रो इस कॉलम के साथ, एंड देन फोर माइनस थ्री, देन यहाँ पे क्या आएगा माइनस नाइन प्लस टेन, देन यहाँ पे क्या आएगा माइनस सिक्स प्लस सिक्स, तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट वन, यहाँ पे भी क्या गया वन, यहाँ पे वन, एंड व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग जीरो हियर, फाइन। तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू हेयर, अगर आपके पास ये सम आएगा तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, डेट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए हेयर। ओके, तो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू को निकालने के लिए ये काम करना है, प्लीज वेट, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आपके पास ये पूरे का पूरा काम रहेगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में करने के लिए, तो जितने भी अवेलेबल समय आप यहाँ पे इस तरीके से इसको
क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, पहले आपने यहाँ पे इसका इसको खत्म करना है, देन इसको खत्म करना है। खत्म करने का तरीका क्या है, वी हैव टू टेक देयर इन्वर्सेज, दैट्स ऑल। हम सिर्फ वहाँ पे उनके इन्वर्स लेके चलेंगे, फाइन। नाउ कंटिन्यूइंग टुवर्ड्स वन मोर प्रॉब्लम, लेट वी डू वन मोर प्रॉब्लम हियर, इंपॉर्टेंट वन। सपोज वी हैव बीन नाउ गिवन, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है एंड दैट इज इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और 2x2 आपको यहां पे ये मैट्रिक्स दिया गया है। फॉर एग्जांपल ए आपको यहां पे दिया गया है 1 और 10x माइनस 10x एंड 1। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स एंड देन डेट शुड बी इक्वल टू कोस ऑफ 2x माइनस ऑफ साइन 2x साइन 2x कोस ऑफ 2x। तो डेट इज समथिंग रिक्वायर्ड। ओके, हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे इनवर्स निकालने पे फोकस करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इनवर्स निकालना चाहते हो, बट इट विल टर्न आउट टू बी हियर, पहले आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू को चेक करें। What is determinant value 1 a 10x minus a 10x 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस और माइनस यहां पे प्लस बन जाएगा 1 प्लस a 10 square x एंड दैट विल बी इक्वल टू secant square x। तो वंस वी आर डन अप टू हियर, नाउ लेट वी कम अक्रॉस कैलकुलेशन ऑफ माइनर्स। तो m11 की वैल्यू क्या है, m11 की वैल्यू 1, M12 की वैल्यू माइनस 10x, M21 की वैल्यू 10x एंड M22 का वैल्यू यहां पे क्या आएगा, यू कैन चेक दैट 1। वंस वी आर डन अप टू हियर, नाउ इट विल बी टर्न ऑफ कोफैक्टर्स हियर। तो अगर आप यहां पे कोफैक्टर्स को इवेल्युएट करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली C11 1 आएगा, C12 यहां पे साइन चेंज, ओके यहां पे साइन चेंज हो गया, C21 अगेन यू विल मेक अ चेंज इन साइन माइनस ऑफ 10x एंड C22 दैट विल बी इक्वल टू 1। वी रीच अप टू हियर एंड नाउ इट इज टर्न टू राइट कोफैक्टर मैट्रिक्स हियर। तो अगर हम यहां पे कोफैक्टर मैट्रिक्स की बात करेंगे, दैट विल टर्न आउट टू इक्वल टू 1 10x माइनस ऑफ 10x 1। तो दैट इज अनदर थिंग। एंड नाउ व्हाट इज एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, आप यहाँ पे ट्रांसपोज लेके चलेंगे, तो ये मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज ले लिया, ये रो यहाँ पे कॉलम के फॉर्म में और ये जो रो है इसको भी आप यहाँ पे कॉलम के फॉर्म में लिख लें। आई एम रीचिंग अप टू हियर, दैट इज योर एडजॉइंट। एंड वंस वी आर डन अप टू हियर, अब जैसे आपके पास यहाँ पे ये एडजॉइंट का काम हो गया, अब अगला काम आपने क्या करना है, इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 1 माइनस ऑफ 10x यहां पे 10x देन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू हमने क्या निकाला वो पड़ा है वहां पे, चेक करो, दैट इज इक्वल टू secant स्क्वायर एक्स। आई एम रीचिंग अप टू हियर, फाइन। तो अल्टीमेटली अब आपने करना क्या है, नाउ लेट वी कम अक्रॉस व्हाट वी नीड टू वेरीफाई, या एक काम करते हैं, अगर देखा जाए तो यहां पे ये क्या गया, 1 upon secant square क्या है, cos स्क्वायर। तो लेट वी मल्टीप्लाई इनसाइड बाय कोस स्क्वायर, तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये जो है ये 1 upon secant square क्या हो गया, कोस स्क्वायर हो गया। पहली बात तो ये, यहां पे 1 tan क्या होता है, माइनस साइन अपॉन कोस, सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां पे tan क्या आएगा, फिर साइन अपॉन कोस की फॉर्म में लिख दो, यहां पे क्या आ गया 1। एंड नाउ लेट यू पीपल डू वन थिंग हियर, यू मल्टीप्लाई हियर इनसाइड, अगर आप यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे आई विल बी गेटिंग कोस स्क्वायर एक्स, यहां पे एक कोस एक्स कट जाएगा, माइनस साइन एक्स कोस एक्स, देन सेम पैटर्न पे यहां पे साइन एक्स कोस एक्स एंड देन व्हाट आई विल फाइंड हियर, कोस स्क्वायर एक्स। नाउ दैट इज द वैल्यू आई एम गेटिंग हियर, ये मेरे पास यहां पे बचे कंप्लीट वैल्यू है ए इनवर्स का। एंड वंस आई हैविंग ए इनवर्स विद यू, नाउ इट इज टाइम टू टेक ऑन टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब हम यहां पे ये प्रोडक्ट की बात करेंगे जो हमने यहां पे निकालना है। तो ये प्रोडक्ट आपके पास यहां पे क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स, लेट वी चेक। अब ए ट्रांसपोज यहां पे क्या है, इसको चेक करो,
ए ट्रांसपोज डायरेक्ट हम यहाँ पे ट्रांसपोज लेके चलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वन देन टेन एक्स माइनस टेन एक्स वन इंटू ए इनवर्स, ये निकाल रखा है यहाँ पे, ये क्या गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स कोस एक्स एंड देन यहाँ पे क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स, वी रीच अप टू हियर एंड नाउ लेट मी मल्टीप्लाई। अब इनको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या बचेगा। लुक, जब आपने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया ये पूरा रो यहाँ पे इस कॉलम से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये वन और ये यहाँ पे। अब इनको मल्टीप्लाई करो बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन एक्स कोस एक्स, ये माइनस यहाँ पे क्या आएगा टेन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। अब यहाँ पे टर्न ये क्या आएगा देखो टेन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आगे क्या आएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स एंड फाइनली आपने ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, चेक करो मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, ये टेन एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन एक्स कोस एक्स इंटू क्या आ गया टेन एक्स आ गया एंड देन ये वन को कोस स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कोस स्क्वायर एंड नाउ लेट मी चेक, डोंट मेक एनी चेंज हियर, टेन क्या होता है साइन पोन कोस तो यहाँ पे साइन पोन कोस इंटू क्या आ गया साइन एक्स इंटू क्या है कोस एक्स, यहाँ पे चलते हैं माइनस साइन एक्स कोस एक्स अगेन टेन यहाँ पे क्या है इसको चेक करेंगे साइन पोन कोस तो यहाँ पे साइन अपॉन कोस इंटू यहाँ पे क्या आ गया इंटू यहाँ पे है कोस स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर। नाउ कमिंग टुवर्ड दिस पार्ट साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स एंड नाउ माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, टेन का वैल्यू क्या है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचा कोस स्क्वायर एक्स, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग राइट हियर। अब इसको आगे चेक करते हैं बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, आई होप नाउ यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर्स हियर। लुक, यहाँ पे कोस एक्स कट गया, आई विल बी गेटिंग कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे एक कोस साइन कट गया माइनस साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, डेट विल बी माइनस ऑफ टू टाइम्स साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ पे ये कोस एक्स कैंसिल तो यहाँ पे टू टाइम्स साइन एक्स कोस एक्स, यू कैन एड देम साइन एक्स कोस एक्स में साइन एक्स कोस एक्स एड करेंगे ये बन जाएगा एंड देन यहाँ पे एक कोस साइन कैंसिल आई विल बी गेटिंग कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड देन दीज आर योर आइडेंटिटीज कोस ऑफ टू एक्स माइनस ऑफ साइन टू एक्स, ओके टू साइन थीटा कोस ऑफ थीटा माइनस ऑफ साइन टू थीटा, देन सेम पैटर्न पे यहाँ पे साइन टू थीटा एंड देन यहाँ पे क्या आएगा कोस ऑफ टू थीटा एंड दैट इज ऑल यू नीड टू वेरीफाई। फाइन, तो इस मॉड्यूल में हम यही प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, अगले मॉड्यूल में हम यहाँ पे जो बिगनिंग करेंगे वी विल इनिशिएट विद योर मैट्रिक्स मेथड। थैंक यू।